सपाहियों ने बरसात में भीगते हुए किया प्रदर्शन, पुलिस भी भीगकर शांति व्यवस्था को संभालती नजर आई है। जानिए क्या है पूरा मामला एएचएन के साथ। अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में जमीन अधिग्रहण को लेकर धर्मपुर गांव का मुआवजा प्रकरण और गर्मा गया है। विपक्ष ने अब इसको मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के बाद आज समाजवादी पार्टी ने धर्मपुर मुआवजे प्रकरण को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। गुलाबबाड़ी स्थित सपा कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में निकले सपा कार्यकर्ताओं को कोतवाली नगर की पुलिस ने कार्यालय के बाहर ही रोका। भारी बारिश में सपा कार्यकर्ताओं ने धर्मपुर किसानों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए प्रदर्शन के अगुआ पूर्व राज्य मंत्री पांडे ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने भारी बारिश में भीगते हुए सपा कार्यकर्ताओं को के बाहर ही रोक दिया। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि राज्य सरकार श्रीराम एयरपोर्ट बना रही है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन किसानों को पीड़ित करके हम श्रीराम एयरपोर्ट का स्वागत नहीं करेंगे। सरकार धर्मपुर के किसानों को उचित मुआवजा दे, नहीं तो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर कर किसानों को न्याय दिलाने के लिए जन आंदोलन करेगी। दरअसल श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 3 गाँव जनौरा, नंदापुर व धर्मपुर गाँव की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन जो मुआवजा जनौरा और नंदापुर के किसानों को मिल रहा है वह मुआवजा धर्मपुर गांव के किसानों को नहीं मिल रहा। वजह है कि जनौरा धर्मपुर के सर्किल रेट में भारी अंतर है। धर्मपुर किसान चाहते हैं कि जो मुआवजा जनौरा व नंदापुर गांव के किसानों को मिल रहा है वही मुआवजा धर्मपुर के किसानों को भी मिले, क्योंकि समान कार्य के लिए समान मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसानों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। धर्मपुर के किसानों का मानना है कि अगर उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे अपनी जमीन का बैनामा नहीं करेंगे। प्रदर्शन के दौरान जनपद में लागू धारा 144 का भी खुला उल्लंघन हुआ। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल को भी सपा कार्यकर्ताओं ने नहीं माना और भारी भीड़ इकट्ठा करके जबरदस्त प्रदर्शन किया। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। ग्राम सभा धर्मपुर के किसानों को योगी सरकार जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। माझा बराटा में जहां पर मूर्ति लगी है वहां भी किसानों की बात सही से नहीं सुनी जा रही है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है, आप मूर्ति लगाइए मूर्ति का स्वागत है, आप एयरपोर्ट बनाइए एयरपोर्ट का स्वागत है, लेकिन किसानों के ऊपर जुल्म अत्याचार करके हम आपके एयरपोर्ट का स्वागत नहीं करते। आप किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दीजिए, अन्नदाता को उनका अधिकार दीजिए। जब तक आप अन्नदाता को, धरती के देवता किसानों को इनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं देंगे, हम इन किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप इनको उचित मुआवजा दीजिए, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण करिए, एयरपोर्ट बनाइए, आपका स्वागत है। माझा बराटा में किसानों को जमीन का मुआवजा दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनका हक और अधिकार उनको दीजिए, उसके बाद आप जितनी बड़ी मूर्ति लगाना चाहते हैं उससे 2 गुना बड़ी लगाइए, स्वागत है। हम किसी धर्म के, किसी देवी देवता के विरोधी नहीं है, लेकिन किसान अगर ये कहे कि हमें सरकार आत्महत्या की अनुमति दे, अगर किसान ये कहे कि योगी जी हमको इच्छा मृत्यु की इजाजत दे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का नहीं हो सकता। हमारी मांग है योगी जी, मोदी जी, किसानों को सही मुआवजा दीजिए, किसानों के हक और अधिकार की बात को सुनिए, उसके बाद विकास करिए, क्योंकि किसी की लाश पर, किसी के खून पर आपका विकास शोभा नहीं देता।